Honorable Member Raja Singh. पहले तो यूनानिमस हम सबके प्रिय पद्मराव गौड़ जी को डिप्टी स्पीकर बनने की हार्दिक हार्दिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको शुभकामना दूंगा। साथ ही साथ आपके साथ हमारा बहुत कम समय बीता है, आप एक्साइज मिनिस्टर बनने के बाद में आपका हमारा संबंध बड़ा है और हमेशा से धुलपेट की समस्या लेकर आपके सामने हमने रखा है और हमेशा आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। रिहैबिलिटेशन के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और कई लोगों से, जैसे हम आपकी समटाइम आपकी विधानसभा में भी हमारे दो चार विजिट हुए, विजिट होने के बाद में वहाँ की जनता से हमने पूछा कि आपके इस क्षेत्र के एमएलए मिनिस्टर साहब कैसे हैं। अरे वो तो हमारे बाजू बैठते हैं, अरे वो तो हमारे साथ बैठकर चाय पीते हैं। इतना अच्छा आपने, यानी एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी पब्लिक में उस तरह से घूमना, पब्लिक से उस तरह से संबंध बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। और आप एक बहुत अच्छे नेता है, वही सब दृष्टि रखकर मुख्यमंत्री जी ने और सभी पार्टी के दलों ने यूनानिमस आपको डिप्टी स्पीकर आप ही बनना, ऐसा सभी लोगों ने आपको सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जैसे अभी आप डिप्टी स्पीकर बने हैं, हम आपसे एक ही एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी दो आँख है, एक आँख आप उधर रखिए, दूसरी आँख इधर भी थोड़ा रखिए, क्योंकि हम लोग भी जनता के लिए, सभी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। इसलिए जितना समय आप उतना देते हैं, उतना समय अगर हम सबको भी जनता की आवाज़, जनता के न्याय के लिए अगर आवाज़ उठाने के लिए अगर हमें आप समय देते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद।